हाजरीन, हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ मुशीर अंसारी साहब मौजूद हैं, जो उर्दू गगन संस्था के चेयरमैन हैं और बहुत सारी मुंबई की बहुत सारी तंजीमों से जुड़े हुए हैं आप। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप हमारे साथ हैं। सर, हमें बहुत खुशी है, आपका इस्तकबाल है अवामी हफ्त रोज़ा के इस जलसे फरोग उर्दू में। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस जलसे के बारे में आपकी कुछ ख़ास राय हम जानना चाहेंगे। इस सिलसिले में कहना चाहूँगा कि अवामी राय अखबार के रूह रवां जनाब डॉक्टर अलाउद्दीन शेख साहब अरसे दराज से जो है वो उर्दू के फरोग उर्दू के लिए जुड़े हुए हैं, और उसी सिलसिले में उन्होंने ये जो अपना हफ्त रोज़ा निकाला, और उसके बाद वो मेरे साथी भी हैं, तो हम लोगों ने मशवरे से ये हुआ कि फरोग उर्दू के लिए बहुत सारे जो काम किए जाते हैं वो मिलकर करें, तो इस तरह हम उनके साथ जुड़े और ये मुशायरे को जो है वो उन्होंने फिर तरतीब दिया कि उर्दू के फरोग में जो है ये मुशायरा आगे बढ़े। दरअसल बहुत सारे लोगों का ख्याल है उर्दू वालों का कि मुशायरे जो है वो उर्दू के फरोग में इतने मुआविन नहीं, लेकिन हमारा अलाउद्दीन का हम लोग ऐसा ख्याल है कि वो लोग जो उर्दू से जुड़ नहीं पाते, वो लोग जो आम लोग हैं जो उर्दू से दूर रहते हैं, जिनको मसरूफियात रहती हैं अपनी ज़िंदगी की, तो वो लोग ऐसे मुशायरे में आते हैं और उर्दू से वो उनका रब पैदा होता है, इस तरह वो उर्दू सीखने की भी कोशिश करते हैं और उर्दू के फरोग के लिए ममदोमान साबित होते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि जो बड़ी से बड़ी बात जब इंसान कहना चाहता है, एक छोटे से शेर में अपनी पूरी बात कह देता है, तो आप इस मुशायरे के ताल्लुक से कुछ बताइए हमें। मुशायरे के ताल्लुक से ऐसा है कि एक शेर मैं ये पेश कर देता हूँ कि अज़्म मोहकम हो तो होती हैं बलाएं पसपा, अज़्म मोहकम हो तो होती हैं बलाएं पसपा, कितने तूफ़ान पलट देता है साहिल तन्हा। तो डॉक्टर अलाउद्दीन की हैसियत यही है कि वो एक जो है ज़माने के, आप एक सोच सकते हैं कि उर्दू के फ़रोग के लिए जो अगर आदमी मुशायरा करता है तो उसके लिए फ़ंड जमा करना, उर्दू के फ़रोग के लिए काम करना, आज उर्दू वालों की बेहिसी है मैं समझता हूँ। हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए उर्दू वालों के ख़िलाफ़, लेकिन ये उर्दू वालों की बेहिसी है कि वो उर्दू पर वो तवज्जो नहीं देते, तो ऐसे वक्त में जो है वो इस तरह की मेहनत करके उर्दू के फ़रोग के लिए काम करने वाला शख्स अलाउद्दीन डॉक्टर अलाउद्दीन शेख है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये वो एक अज़्म जो है उसका अज़्म मुसम्मम है, वो है कि यकीन मुकम अमल पर हम मोहब्बत फ़ातह आलम जहाद ज़िंदगानी में ही मर्दों की शमशीर, तो इसी पर अमल करते हुए अलाउद्दीन आगे बढ़ रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं, और हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि ये जो है अखबार फूलता फलता रहे और इस तरह के जो उर्दू के दीगर प्रोग्राम वो करते रहें हम साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।